किस दुनिया में हो? एक घंटे से टाइम पास कर रहे हो, खाना कब बनाऊंगी मैं? जल्दी करो। सॉरी माँ, मैं अभी कर देता हूँ। अभी कर देता हूँ, जल्दी करो। ठीक है माँ। हाय भैया। हाय मुस्कान। भैया, माँ आपके साथ इतना बुरा बिहेव करती है, आपको बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? माँ की डांट बिना आशीर्वाद से कम नहीं होती। लेकिन वो तो आपकी सौतेली माँ है ना। हे, क्या तुम मुझे अपना सौतेला भाई समझती हो? नहीं नहीं भैया, आप तो बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो जाओ पढ़ो, मुझे बहुत सारा काम है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, अभी ये भी करना है, जल्दी काम खत्म करो। सॉरी माँ। सॉरी। भैया, आपकी रोटी पे तो घी नहीं लगा। माँ। मुस्कान, मुझे देखो, कितना मोटा हूँ मैं? अगर मेरी रोटी पे घी लगा होगा तो मैं और मोटा हो जाऊंगा। खुद को देखो, अभी तुम्हें घी खाने की जरूरत है। चलो खाना खाओ। पर भैया। मुस्कान, बोला ना, खाना खाओ। मुस्कान। मैडम आ रही है तो सही से सीखना और मेहनत करना। ठीक है? ठीक है माँ। ठीक। कौन सी मैडम आ रही है भाई? एक्टिंग सीखने के लिए माने के एक्टिंग टीचर को बुलाया है। एक्टिंग टीचर? हाँ। वाव। मुस्कान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम एक्टिंग पसंद है ना? भैया मुझे पता है कि आपको भी एक्टिंग बहुत पसंद है, बट मैं आपको सीखने नहीं देती। कोई बात नहीं मुस्कान, तुम सीख कर मुझे सिखा देना और हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। राइट? चलो चलो तुम जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। देखो बेटा, एक्टिंग में चेहरा का भाव मेन होता है, तो कुछ चेहरा पे भाव करके दिखाओ। मैम चाय। मैम, ये मेरे भैया हैं और इन्हें भी एक्टिंग आती है। वाह बेटा, बैठो। थैंक यू मैम। और कुछ चेहरे का भाव दिखाओ। मैं? हाँ भैया, आप कर सकते हो। ओके। क्या बात है, तुम्हारे रग रग में एक्टिंग कूट कूट के भरी हुई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस इसको तराशने की जरूरत है और निखारने की जरूरत है। चलो हम मिल गए हैं, हम निखार देंगे तुम्हें। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो बेटा, अब मेरा टाइम हो गया है, दूसरे जगह क्लास देनी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और अपने भैया की तरह एक्टिंग तुम भी सीखो, भैया तुम्हारे बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं। और फिर मैं कल तुमसे मिलती हूँ, तो मैं चलती हूँ। ओके मैम। ठीक है बेटा। थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। मुस्कान, आज मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ, आज तुझे कुछ बताने आई हूँ। मेरे एक जान पहचान के डायरेक्टर हैं, उनको कुछ आर्टिस्ट चाहिए, तो मैं तुम्हारे घर के एड्रेस दे दी हूँ और तुम्हारा नाम बता दी हूँ कि तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो, करोगी ना? हाँ, तो ऑडिशन दे देना तुम। ठीक है? ठीक है,
तो मैं चलूं बेटा? ओके मैम, चलो। देखो बेटा, तुम्हारी मैडम ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा एक्ट कर लेती हो। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन यह है कि तुम्हारे माँ का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। तुम अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हो। तुम अपनी माँ पे कुछ बोल कर दिखाओ बेटा। माँ, माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं, फिर से बोलो। मुस्कान, तुम अच्छा कर सकती हो। फील करो सीन को, इमोशन आएगा। आप कौन? सर, ये मेरे भैया हैं और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, तो एक काम करो, आप खुद से ये एक्टिंग खुद करके दिखाओ मुझे। मैं सर? यस, दिखाओ। ओके सर। देखो बेटा, मान लो ये कैमरा है और इस एंगल में तुम देखकर अपना डायलॉग्स बोलो। तुम्हारा डायलॉग्स देखना चाहते हैं। ओके सर। माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, वापिस आ जाओ ना। माँ, माँ बहुत थक गया हूँ। माँ, तुम्हारे गोद में सर रख कर सोना चाहता हूँ। माँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे एक निवाला खिला सके। तुम्हारे हाथ से निवाला खाना चाहता हूँ। माँ, वापिस आ जाओ ना। माँ, वापिस आ जाओ ना। माँ, थैंक यू। वाह, थैंक यू। कमाल कर दिया तुमने तो भाई। यू आर सेलेक्टेड। देखो, अगले महीने मेरे पास एक फिल्म स्टार्ट हो रहा है। ओके सर। उसमें तुम चाहो तो मेरे साथ मुंबई चल सकते हो। मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। लेकिन सर, मुंबई तो सर बहुत दूर है सर, और मैं यहाँ अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता हूँ। मेरे पापा भी शहर में रहते हैं सर, वो कभी कभी आते हैं। तो मेरे अलावा यहाँ इनका कोई नहीं है सर, ये अकेले पड़ जाएंगे। नहीं भैया, आप जाइए, आपको इतना अच्छा मौका मिला है। मैं हूँ ना माँ के साथ। मुस्कान, तुम समझ नहीं रही हो, माँ की देखभाल कौन करेगा? मुस्कान, तुम बहुत छोटी हो। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ दिन इसी शहर में हूँ। तुम्हें इच्छा हो तो आ जाना, ये है मेरा कार्ड, मुझसे मिल लेना, तुम्हें मौका मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस भैया। वाह। माँ, क्यों रो रही हो? माँ, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार की। नहीं माँ, मैं तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं दी, अच्छे ढंग से तुम्हें कभी खाना नहीं दी हूँ, और बहुत सारा काम करवाई हूँ तुमसे जो मुझे नहीं करवाना चाहिए। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो बेटा। अरे माँ, बहुत बुरी माँ हूँ। माँ, तुम मेरी माँ हो, मेरी आंखों में देखो। माँ, तुम मेरी माँ हो, और माँ की डांट पे तो आशीर्वाद होता है ना। माँ, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। माँ, नहीं, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझ सकी। तुम मेरे बारे में, हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हो, और मैं तुम्हें अच्छे ढंग से खाना तक नहीं दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। आप मेरी माँ हो, मुस्कान मेरी छोटी बहन है। आपने कोई दुख नहीं दिया माँ, कोई दुख नहीं दिया। मैं तुम्हारे में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। तुम जाओ मुंबई और अपने सपनों को पूरा करो। लेकिन माँ, यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? मेरा ख्याल मैं खुद रख लूँगी। मुस्कान है ना, मेरे बारे में चिंता मत करो, अपने सपनों की तरफ देखो, अपना सपना पूरा करो तुम। मैं बहुत ही अच्छा से रहूँगी,
तुम बहुत अच्छे बेटा हो और बहुत मेरा ख्याल रखे हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा।